शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहिए डॉक्टर केतन, कैसे बुलाया आपने? आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। बच्चे के शरीर से जो केमिकल्स हमें मिले थे वो हमने लैबोरेटरी में टेस्ट करवाए और तभी पता चला कि ये नीम की गोलियों में से एक है। इसका मतलब बच्चे को यही गोलियां दी गई थी? जी, और इसी के कारण बच्चे की दिल की गति शायद धीमी हो गई होगी और बच्चा इतना बेहोश हो गया होगा मानो मर गया हो। और इसके बाद बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। राइट। हेलो, हमने 7 बच्चों के बारे में पता किया है। उनमें से 5 बच्चे सही सलामत है अपने परिवार के साथ में। उनमें से 2 बच्चों की निमोनिया से मौत हो चुकी है। एक लड़का है और एक वो लड़की है जिसके घर के बारे में हमें मोरम ने बताया था। रवि, मुझे इन दोनों बच्चों की कल तक पूरी डिटेल्स चाहिए। छड़ना नहीं किसी ने? जी, और हाँ, एक दाई है जिसने घर में डिलीवरी करवाई। मैं उन्हें मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ साहब, मैं एक घर में इमरजेंसी डिलीवरी कराने गई थी। अच्छा, पूरी बात बताइए कि क्या हुआ था। साहब, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। उस दंपति को शादी के 8 साल बाद औलाद नसीब हुई। जगह जगह मंदिरों में जा जाकर औलाद मांगी थी। वो लोग बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे 5100 रुपया और साड़ी और कुछ मिठाइयाँ भी दी थी। साहब, लगता है उनकी खुशियों में किसी की नजर लग गई। और इस परिवार में और कौन कौन है? साहब, प्रमोद और उनकी पत्नी सुमन और जो बेटा पैदा हुआ वो, और उनका भाई राजेश, उसकी पत्नी सुनीता और बेटी अनुष्का। और प्रमोद की कोई रंजिश या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? साहब, प्रमोद तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, याद आया, प्रमोद और उसका भाई राजेश, उस दिन इनका बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी मिन्नत के बाद बेटा पैदा हुआ है। अरे हर्षल, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी एक बार मुन्ना दो ना। देते ना थोड़ी देर बाद? नहीं, मुझे अभी चाहिए। मुझे अभी चाहिए। नहीं, भैया सो रहा है ना, और क्या गंदे हाथ लगा रही है उसको। जाओ, पहले हाथ सैनिटाइज करके आओ। चल जाओ यहाँ से। वाह भैया वाह, आज आपका बेटा हो गया तो पराया कर दिया इसे। कमाल के मतलबी इंसान हो तुम। तूने तेरे बेटी को जिद्दी बना रखा है अपनी तरह। छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? अरे बच्चा छोटा है, नाजुक है, उसे कुछ हो गया तो? सब समझ में आता है। तुम जितना इतरा रहे हो ना, एक दिन वही बच्चा तुम्हें आगे चल के रुलाएगा, समझे? क्या कहा तूने? तूने मुझे मारा? तूने मुझे मारा? तूने मुझे मारा? ऊपर हाथ उठाता है? छोड़ूंगा नहीं। ये शर्म नहीं आती? ठीक है। हेलो सर, मुझे इस राजेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। चल। वही, तू जानता है तेरे चक्कर में हमने कितने सारे गायनोकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड सेंटर और कितने परिवार जो बच्ची के पैदा होते उन्हें मार देते हैं, उन सब का पर्दाफाश किया। और पर्दाफाश करते करते ना, हम धीरे धीरे तेरे पास आते हैं कि तेरी बैंड बजा सके। भाई रवि, उस जगह का की होया जहाँ पर वो लड़की पैदा हुई थी और बाद में निमोनिया से मर गई थी? ओना तो एक नौकर, उसने सब कुछ बढ़ दिया। उसने उस बच्ची और जो 2 और बच्चियां थी गला दबाकर मार डाला था। उन सबको हमने हवालात में बंद कर दिया है। अब उनका ऐसा ढोल बजाएंगे कि उनकी चीखें सुन के जो लोग बच्ची होने से प्रॉब्लम करते हैं ना, उनकी अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है, बाकी सजा तो कानून देगी। अब चलते हैं उस घर में जिस घर के बारे में दाई ने बताया था। चलो। चिफलिस क्यों आई है यहाँ पे? कहीं इन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? चुप चुप बोलो, चलो। बहुत खुश था मैं इस करिश्मे से। कितने मंदिरों में गया था, कहाँ कहाँ दुआएं नहीं मांगी थी मैंने। एक बार तो मैंने
बाप बनने की उम्मीदें छोड़ दी थी, मगर ऊपर वाले ने औलाद दी और वो भी बस दो दिन के लिए। कितने खुश थे हम सब लोग। क्या हो गया ये? ये लोग कौन है? सर ये मेरा छोटा भाई राजेश और ये उसकी पत्नी सुनीता। ना जाने दुर्भाग्य मेरा ही क्यों बना। पहले बांझ बनने के ताने सहती रही, फिर इतने मन्नत और मुरादों के बाद एक बेटा मिला, भी बस चंद दिनों के लिए। ये फोन में क्या देख रहे हो? सर हमारे बच्चे की तस्वीर देख रही है। क्या मैं ये फोटो देख सकता हूँ? जी शीतल जी, एक खुशखबरी है, हम बहुत ही जल्द बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने वाले हैं। क्या? मेरा मतलब है ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ओ जी बच्चा कैसा है? बच्चा उसकी माँ से मिलने के इंतजार में है। वैसे एक्साइटमेंट लेवल हमारा भी कम नहीं है मुजरिम से मिलने। डोंट वरी, हम सबका इंतजार भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला। देखते ही यहाँ से निकलूंगा, मामला ठंडा होने के बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन फिर मैं? तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम सतर्क रहना, मैं तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल करता रहूंगा। हमें राजेश के बारे में बहुत बड़ी खबर आत लगी है। राजेश कोई काम वाम नहीं करता था और वो अक्सर प्रमोद से पैसे लेता रहता था, क्योंकि राजेश और उसकी पत्नी ने प्रमोद को वादा किया था कि एक ना एक दिन वो अपनी बेटी उसको दे देंगे। पर जैसे प्रमोद को बेटा हुआ उसका रवैया बदल गया था, इस बात को लेकर भी काफी में झगड़ा होता था। मतलब ये मामला बच्चे से शुरू होता और बच्चे पे ही खत्म। राजेश की बेटी है अनुष्का, जो कि प्रमोद और उसकी पत्नी सुमन की जान थी। प्रमोद को भी पता था कि एक ना एक दिन राजेश उसको अपनी बेटी दे देगा, इसलिए प्रमोद ने 40 लाख का लोन उठाकर उसको दुकान खरीद कर दी थी। मतलब ये कि अपनी बेटी के जरिए राजेश प्रमोद से अपनी कोई ना कोई मांगे पूरी करवाता रहता, क्योंकि उसको पता था कि प्रमोद का जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन उसकी बेटी को मिलने वाला है। तो शायद इसीलिए राजेश ने कोई ना कोई चाल चली, क्योंकि प्रमोद के बेटे के इस दुनिया में आने से सिर्फ इनका नुकसान था। और इनके परिवार ने क्या कहा? इनके परिवार के बयान के मुताबिक इन्होंने बच्चा मरा हुआ देखा था, बल्कि असल में बच्चा जिंदा था। और उस दवा की रिपोर्ट जो बच्चे के शरीर में मिली थी? वो दवाई राजेश की पत्नी सुनीता की थी, उनके घर के पास वाले केमिस्ट में ये बात पता लगी। मतलब ये मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। राजेश क्यों मरेगा बच्चे? उसने तो ऑलरेडी दुकान अपनी बेटी के नाम करवा रखी है और जिसका लोन प्रमोद भर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी की दवाई बच्चे के पेट से मिलना, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, वो बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब मामला टाइट और दिमाग से फाइट है। आ गया आइडिया रवि। तो मतलब अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये बच्चा इसी परिवार का है। तो एक काम करो, इस परिवार के सभी सदस्य की फोटो निकालो और दलेर को दिखाओ। ठीक है। शायद उसने किसी को देखा हो। ठीक है। मंदिर चले? मुझे नहीं आना, अब भरोसा ही नहीं रहा ऊपर वाले पे। इतना बड़ा अन्याय कर दिया ऊपर वाले ने हमारे साथ। ऊपर वाला जो कुछ भी करता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या कारण होता है?
हाँ, यही कि कुछ पल की खुशियां दे दो इंसान को और फिर जिंदगी भर का दर्द जिसे वो झेलता रहे, अपने आंसू पीता रहे, न जी सके न मर सके। ये हुई ना चकदे फट्टे वाली खबर। भाई तुम दलेर सिंह को ले आओ, फिर चलते हैं वहां। मैं क्या, रुको भाई, कहां जाने की तैयारी? क्या हुआ सर, ये क्या मनमानी है आपकी? कोई कहीं आ जा भी नहीं सकता। तू बार बार तंग करने चले आते हैं यहाँ पे, क्या कसूर है हमारा? मैं क्या कसूर नहीं, हमारा तो कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को आखिरी बार थाने ले जाकर ना बच्चे की मृत्यु का पंजीकरण कराए। और जाने की चिंता आप लोग मत कीजिए, क्योंकि गाड़ी में साथ लाए। चलो भाई कर लो। एक दुखी परिवार को तकलीफ देके क्या मिल जाएगा आपको? चलो आओ भाई। लो भाई, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ना मेरे मन में एक सवाल उठा, आप लोग इस जगह को जानते हैं? जी हाँ, यही हमने बच्चे को दफनाया था। क्यों बार बार हमारे जख्मों को हरा कर रहे हैं आप लोग? लेकिन लोग से याद आया, और कौन कौन था आप लोगों के साथ? मैं था, प्रमोद भाई और पंडित जी। हम सुबह 7 बजे यहाँ पर आ गए थे और फिर हमने बच्चे को दफना दिया। रवि, वो पंडित जी का ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सॉरी, कहाँ थे हम लोग? प्रमोद भैया बहुत दुखी थे, रो रहे थे। इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा ताकि वो बच्चे के साथ कुछ समय बिता सकें। फिर उसके बाद हमने गड्ढा खोदा और बच्चे को वहीं दफना दिया। क्या बच्चा दफनाया गया था? जी हाँ, बच्चा दफनाया था। पर बच्चा तो हमें झाड़ियों में से मिला। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? पंडित जी से पूछ लिया ना आप, उन्होंने खुद अपने आंखों से बच्चे को दफनाते हुए देखा है। जाओ वरना फिर से तेरा पैर तोड़ दूंगा मैं। भाग! एक मिनट, क्या कहा आपने? फिर से इसका पैर तोड़ोगे? तो भाई पहले कब तोड़ा था इसका पैर? पैर नहीं तोड़ा साहब, ये पागल है। आप नहीं जानते इसे, ये पागल है। पागल नहीं है ये, दलेर सिंह नाम है इसका। इसने ना तुम लोगों को पहचान लिया है और सब बोल दिया उसने, और ना ही ये पागल है और ना ही उसके बोलने सुनने में कोई कमी है।